फैमिली इसकी यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई है बट यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ इनसाइड फैमिली बाय क्लिकिंग ऑन द सब्सक्राइब बटन तो प्लीज 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 जल्दी से इनसाइड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अपकमिंग जो भी रेमिडीज की अपडेट्स आने वाली है वो मिस ना हो ठीक है जेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन इसका जो पर्सन होता है उसको डाउनवर्ड मोशन से बहुत ज्यादा डर होता है चाहे वो किसी स्विंग पे हो सीढ़ियों से उतर रहा हो ठीक है ये चीज बोरैक्स में भी मेंशन की हुई है इसका जो बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा दी होता है और वो हमेशा क्रॉस मतलब बहुत ज्यादा इरिटेबल होता है और इसका मूड बहुत जल्दी स्विंग कर जाता है इसको बिल्कुल भी डिजायर नहीं होती दैट इसे कोई टच करे और ये पर्सन जो है ये हमेशा अपने ऑक्यूपेशन को चेंज करता रहता है ठीक है पर्सन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हिज ऑक्यूपेशन ंग अबाउट हेड एंड नेक ऑफ चिल्ड्रेन बहुत ज्यादा इसको पसीना होता है ड्यूरिंग स्लीप वो अपनी पिलो को वेट कर देता है प्रोफ्यूज स्केली डैंड्रफ और स्कैल्प आईब्राउस इन द बीयर्ड देखिये ये सारे सिम्टम्स काफी ज्यादा अलग से है दैट अगर आईब्राउज और बियर्ड में भी किसी को स्केली डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वी कैन गो फॉर दिस रेमिडी इसको कान के पीछे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वाइट ग्रे फ्लूड का डिस्चार्ज होता है ठीक है इसकी होती है और उसको हमेशा अपनी टंग को प्रोट्रूड करके रखना होता है ताकि वो उसको ठंडा रख पाए ठीक है जैसे डॉगीज रखते हैं अपनी टंग को बाहर प्रोट्रूड करके तो इसका जो पर्सन होता है उसमें भी वैसी टेंडेंसी होती है कई बार

उसका पानी जो है वो पीता है तो वोमिट हो जाता है जैसे ही वो समक में पहुंचता है और इसकी जो होते हैं वो कांस्टेंटली चेंज करते रहते हैं ठीक है नाउ इनकंटिनेंस यूरिन और फीसेस में भी हमें ये देखने को मिलती है ठीक है मतलब इसका जो पर्सन होता है वो यूरिन या फीसेस का डिस्चार्ज करना उसके लिए मतलब इसको ऐसा फील होता है उसका जो है एनल हो, हो वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है क्योंकि इनवॉल्ट्री डिस्चार्ज हो जाता है फ्लेटस की वजह से इसको अर्जिंग होती है और इसको हमेशा अपने लेग्स क्रॉस करके बैठने होते हैं टू प्रिवेंट द फीसेस फ्रॉम एस्केपिंग ठीक है तो कॉन्स्टिपेशन की हम बात करें तो जब तक बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन नहीं हो जाता है इसको डिजायर नहीं होती है ठीक तो है लार्ज इवैक्युएशन ऑफ स्मॉल ड्राई ग्रे बॉल्स मस्ट बी रिमूव्ड मैकेनिकल ठीक है तो यहाँ पर मैकेनिकल जो इवैकुएशन है स्टूल का वो करना पड़ता है इसके पेशेंट में स्टूल जो होता है वो हार्ड होता है और इम्पॉसिबल टू इवेक्युएट ठीक है बर्ंट लाइम की तरह होता है और वर्ड ऑफ है mule, well. तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है लिमबर्गर चीज लाइक अगर ओर्डर है स्टूल में एंड बर्न लाइम की तरह स्टूल अपियर हो रहा है तो आपको ये सब क्वेश्चन पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखने हैं ठीक है डायरिया की अगर हम बात करें तो चेंजेबल कैरेक्टर की होती है स्कम ऑफ फ्रॉग पॉइंट मतलब इसकी जो डायरिया होती है वो ऐसे अपीयर होती है दैट वो फ्रॉग पॉइंट जो है उसके ऊपर जो झाग होती है स्कम उस टाइप का अपीयर होता है ठीक है खाने के बाद उसको टेबल से ही हरी करना पड़ता है फॉर डायरिया इसमें स्टूल की ओर्डर आती है ऑफ इसका पर्सन जो है वो बात करेगा उसके बाद भी स्टूल की ओर्डर आती है एक्सपोरिएशन ऑफ स्किन अबाउट एनस अब ऑब्वियसली कोई पर्सन कॉन्स्टिपेटेड है तो वहां पर हीमरॉइड की प्रॉब्लम मिल सकती है एनल एरिया के अराउंड की स्किन एक्सकोरिएट हो सकती है ठीक है और वो फिर अदर जेनाइटल एरिया में भी एक्सटेंड कर जाएगी ठीक है ल्यूकोरिया विथ स्ट्रोंग ओर्डर ऑफ फिश ब्राइन इसको स्ट्रोंग ओर्डर फिश ब्राइन की मिलती है मतलब जैसे ऐसे पानी जिसमें मछली हो उसमें कैरेक्टरिस्टिक ओडर होती है तो इसकी जो ल्यूकोरिया होती है उसमें भी वैसी ही स्मेल मिलेगी अगर कोई फीमेल आपको ऐसे सिम्टम्स बता रही है देन यू कैन गो फॉर दिस रेमिडी ठीक है इसको बहुत ज्यादा वीकनेस होती है बियरिंग डाउन पेन ऐसा लगता है कि उसके जो कंटेंट्स पेल्विस के हैं वो एस्केप कर जाएंगे और वॉकिंग और जाल से इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है फीमेल जब रेस्ट करती है या फिर अपने हाथ को वलवा के अगेंस्ट प्लेस करती है तो उसको आराम मिलता है फूड स्वेट की अगर प्रॉब्लम है टोस के बीच में जो कि बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है और उसको और सोल एज ही हैड इन कोल्ड वाटर ठीक है तो हम इस रेमेडी को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं सोल और फीट में बहुत ज्यादा बर्निंग होती है और ये उसको हमेशा कूल cool पेस्ट जैसे सल्फर का पेशेंट होता है वैसे ही ये भी चाहता है बच्चा भी क्या करेगा क्लोथिंग को ऑफ कर देगा इवन कोल्ड वेदर में भी ठीक है

इस रेमिडी से ज्यादातर क्वेश्चंस जो है या तो इसके जीआईडी के सिम्टम्स पे पूछे जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली मेंशन किया गया है और इधर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिम्टम जो दिए हुए हैं वो पूछे जाते हैं ठीक है सो इफ आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन आई वॉन्ट यू टू गो फॉर प्रिपेयरिंग दी सिम्टम्स फर्स्ट ठीक है सो फ्रेंड्स दिस इज इथ अबाउट टूडे सेशन अगर आप इन साइड ऑर्गेनॉन की फैमिली का पार्ट नहीं हो तो प्लीज 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 जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए एंड ज्वाइन इन साइड ऑर्गेनॉन फैमिली सून थैंक यू